खबर भोपाल से, जहां राजधानी में डेंगू का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर यहां पर संख्या में इजाफा देखा गया है, जहां मंगलवार को डेंगू के नए 9 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। तो एक बार फिर डेंगू अपने पैर पसारता हुआ राजधानी में, जहां डेंगू मरीजों की संख्या अब 452 के पार पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने यहां पर रिपोर्ट भी जारी की है, जहां लगातार मिल रहे डेंगू के मरीज, और अब यहां पर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति, जहां जो प्रयास किए जा रहे थे डेंगू की रोकथाम के लिए वो नाकाफी साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है, तमाम प्रयास यहां पर दवा का छिड़काव किया जा रहा है नगर निगम की ओर से, लेकिन संख्या में इजाफा, कहीं भी गिरावट जो है वो दर्ज नहीं की जा रही है। मामलों में 9 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और अब डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 452 के पार पहुंच चुकी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रंजन जुड़ चुके हैं, अपडेट लेंगे। रंजन, यहां पर राजधानी में डेंगू का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिस तरीके से तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं रोकथाम के लिए, लेकिन सभी नाकाफी साबित हो रहे हैं। जी बिल्कुल पूर्वी, देखिए लगातार राजधानी भोपाल में जो है डेंगू के मरीज जो है वो बढ़ रहे हैं, और कल ही जो है कई सारे जांच कराए गए थे, जिसमें जो है 9 पॉजिटिव मरीज जो है वो पाए गए हैं, क्योंकि लगातार स्वास्थ्य विभाग का अमला जो है वो सजग है, और राजधानी के अलग अलग इलाकों में जो है डेंगू का लार्वा जो है वो पाए जा रहे हैं। इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने भी जो है गाइडलाइन जारी कर दी है, और लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि अपने आसपास जो है वो साफ़ सफाई बनाए रखें। लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं लगातार राजधानी में आए दिन 2, 4, 10 मरीज जो है रोज़ मिल रहे हैं, क्योंकि डेंगू का लार्वा जो है वो राजधानी के अलग अलग जगहों पर पनप रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें जितने भी अस्पताल है वहाँ पर रोज जो है वो जांच कराए जा रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है अलग अलग इलाकों में भी पहुँच रही है, नगर निगम की तरफ से भी जो है लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, आसपास जो है स्वच्छता बने रहे इसके लिए नगर निगम की टीम भी जो है दवाओं का छिड़काव कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है हर दिन नए पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये डराने वाली स्थिति बन गई है, क्योंकि प्रत्येक दिन डेंगू के मरीज मिलना अपने आप में एक सवाल उठाता है, क्योंकि राजधानी के अलग अलग अस्पतालों में भी व्यवस्था की गई है डेंगू के लिए, जो है अलग बेड बनाए गए हैं, साथ ही साथ अगर उपचारों की बात करें उपचारों के लिए तमाम सारी दवाइयों को जो उपलब्ध करवाया गया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग का साफ तौर पर कहना है कि डेंगू का लार्वा जो है वो गंदे पानी में पनपता है, खास करके वो पानी जो काफ़ी समय से इकट्ठा हुआ पड़ा है, चाहे वो एसी का पानी हो, चाहे वो कूलर का पानी हो, चाहे वो फ्रिज का पानी हो, तो ऐसे में जो है समय समय पर जो है पानी को बदलना चाहिए और अपने आसपास जो है साफ सफाई रखनी चाहिए। और दूसरी बात ये भी कही गई है कि हो सके तो थोड़ा सा जो है गर्म पानी पीना चाहिए, ताकि जो इसका लार्वा है उसको ख़त्म किया जा सके। नगर निगम भी लगातार जो है प्रयास कर रहा है कि अधिक से अधिक लोगों को जो है डेंगू ना हो, इसके लिए दवाई का भी छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद तमाम सावधानियां बरतने की आवश्यकता, साथ ही जागरूक होने की भी आवश्यकता। आप हमारे साथ बने रहिए, आपके साथ आगे भी चर्चा करेंगे।